खबर हमीरपुर जिले से है, जहां कुरारा थाना क्षेत्र के कुसमरा गांव में चंद्रभान नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और बच्चे सहित शनिवार को हमीरपुर मुख्यालय स्थित सीईओ कार्यालय पहुंचकर प्रार्थना पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई। ज्ञापन देते हुए उसने बताया कि 23 मार्च की शाम जब वो काम करके अपने घर लौटा तो मेरी पत्नी से मेरे पिता और मेरा छोटा भाई गाली गलौज कर रहे थे। जब मैंने रोकने की कोशिश की तभी मेरे पिता के कहने पर मेरे भाई रविशंकर ने मेरे ऊपर धारदार कुल्हाड़ी से सर पर जोर से मारा, जिससे मेरी खोपड़ी फट गई। तभी मैं मौके पर गिर पड़ा, जिसके बाद मैंने 112 नंबर की पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस मुझे जिला अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज करवाई। पीड़ित ने बताया कि उसने थाने में प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन अभी तक उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण उसने परिवार सहित मुख्यालय पहुंचकर सीईओ से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ने बताया कि विवाद जमीनी मामले का है। हमारा पे आए हैं, हमारे कॉलेज बंटवारे हिस्से के कारण हमारी मारपीट की गई है, हमें इतना नहीं दिया जा रहा है। कुरारा थाने गए तो वहाँ सुनवाई नहीं की गई, एप्लीकेशन भी दिया है। आज हम हमीरपुर आए हैं एप्लीकेशन देने के लिए। किसको एप्लीकेशन देने? ये सीईओ साहब के कॉलेज जिला जज के पास। क्या मांग है आपकी? हमारी कॉलेज कार्रवाई की जाए, हमारे बेहतर दुआया जाए। हमारा सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।